नमस्कार, हाय, मैं नागेश फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्टार एपेक्स न्यूज में। और आप सोच रहे होंगे साइकिल पे क्यों घूम रहा है भाई, राइड फॉर फ्राइड। इसका मतलब ये है कि संतोष कोलकुंडा नाम का एक युवक जम्मू से कन्याकुमारी जा रहा है यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी के लिए। आप सबको मालूम ही है कि ये गांधी जी का एक जन्म महोत्सव है, तो उसके उपलक्ष्य पे गांधी और मतलब महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के मैसेज को युवा तक पहुँचने के लिए यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस का ये यूथ विंग है। इसके यूथ कांग्रेस के महासचिव और अंडमान निकोबार के प्रभारी संतोष कोलकुंडा इज साइकिलिंग जम्मू टू कन्याकुमारी। तो चलो बात करते हैं उनसे, क्या बात करते हैं वो और उनका क्या मैसेज है युवाओं के लिए। बने रहिए मेरे साथ। चलो गाइस, नमस्कार सर, आप कुछ बताइए, ये जो आप राइड फॉर प्राइड जो यात्रा आपने स्टार्ट की है, तो राइड फॉर प्राइड, तो इसका क्या है मूल उद्देश्य? जैसा कि मैं अभी ये महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती है उस मौके पर, और स्वामी विवेकानंद जी का 125वीं जो शिकागो एड्रेस दिया था, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो सर्वमत समावेश में शिकागो में जो स्पीच दिया था, यहूदी उन दोनों के सम्मिलित करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से, और राइड विथ प्राइड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की संदेश देते हुए, हाँ, राइड विथ प्राइड में मैं कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, हाँ, राष्ट्रीय सचिव, हाँ, तो वही मैं राइड विथ प्राइड में मेरे कांग्रेस के वो और उसका गर्व है बोल के मैं राइड विथ प्राइड बोल के नाम देखूँ। मैं साइकिल यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चलाने की प्लान किया हूँ। उसी प्लान आधार पर 15 अगस्त को जम्मू में अपना कांग्रेस पार्टी के PCC ऑफिस से PCC अध्यक्ष जी ने मेरे को रवाना किया है। वहाँ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसा होते हुए आपके कल आपके नागपुर पहुँचा हूँ। अभी नागपुर से सेवाग्राम वर्धा जा रहा हूँ, और इस दौरान मैं लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर युवा साथियों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों के जो सोच है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा भारत देश को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हम पहले बुक्स में पढ़ते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भारत ये संदेश देती है देश को, और वसुधैव कुटुंबकम ये संदेश देती है। अच्छा, मेरा एक सीधा सवाल अभी अभी के सरकार से है कि अभी जो अर्थव्यवस्था पे जो मंदी आई है, और आप जो बोल रहे हैं आपकी जो एक पहल है वो एक अच्छी पहल है, एक अनेकता में एकता, लेकिन अभी ऐसा देश में तो ऐसा हाल नहीं है, इसके ऊपर आप क्या मतलब आपकी क्या सोच है? तो वही मैं वही बोल रहा हूँ कि जो जो चुने हुए सरकार है वो सरकार जो भारत के राज्यांग के ऊपर प्रमाण करके सरकार वो प्रधानमंत्री जी बने हैं, और ये बार जनता ने उसको दूसरी बार मौका दिया है, और वो नोटबंदी और जो GST जल्दबाजी करके ये सब उसके ऐसा लगता है कि उसके खुद का नाम रोशन हो ऐसा करके वो सोच के कुछ जल्दबाजी करके जो किया है उससे आर्थिक व्यवस्था बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है। और साथ ही साथ जो कल अपना मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्री है और पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद बोला है जिस तरीके से हम लोग अभी बहुत मुश्किलों में हैं, और जो 12% करीब एग्रीकल्चर का जो ये था अभी 2% में आ चुकी है, तो इसी में पता चलता कि किस तरीके से अपना किसान और युवा, खासकर युवा साथी जिस तरीके से वो लोग अपना जॉब्स भी खोने का ये हो गया। जैसे पार्ले जी भी ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, मारुति ने उसका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम कर दिया, ये सब चल रहा है, तो बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा, मैं और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्थान रहे भारत के, तो आप जो एक मैसेज जो दे रहे हैं वो कित तक आपको लगता है कि लोग उसके बारे में, क्योंकि अभी तो सब लोग टिकटॉक और जियो के दुनिया में हैं, मतलब एक काल्पनिक दुनिया में आज युवा है, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच? इसीलिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ ताकि कि युवा ये काल्पनिक दुनिया से थोड़ा बहुत बाहर आए और इस रियलिटी को भी देखे। जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो जिस तरीके से उस समय में जब अमेरिका गए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बात किए और उस समय बोला कि हारमनी एंड पीस नॉट डिसेंट, और जो हिंदुइज्म है वो वे ऑफ लाइफ है, वो एक जीवन की विधान है,
और नॉट ओनली रिलीजन बोलता है, और जो रिलीजन का मुख्य उद्देश्य है अच्छे करो अच्छे जियो, इसी का उद्देश्य रिलीजन बोलता है। तो इस तरीके से जो संदेश है उनका, युवा का प्रेरणादायक संदेश है, उसी प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन को धन्य कर लिया है, और बहुत सारे अपने जो फ्रीडम फाइटर्स है सभी ने उसी का जो इंस्पिरेशन लेके अपने भारत देश को आज़ाद कराया। मैं आपको एक ऑफ द लाइन एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है आप उसका जवाब दे पाओगे। गांधी और भगत सिंह, ये जो मतलब भगत सिंह एक युवा थे और गांधी के विचार युवा थे, ऐसा एक अपने इतिहास में लिखा है, तो आप क्या सोचते हैं कि देश अगर जैसा अभी GDP फिलहाल में 5% पे आया है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, तो युवा कितना अभी तक जागरूक हुआ है, उसके लिए क्या मैसेज आपका? नहीं, युवा साथी जैसे मैं, वो लोग जागरूक है, युवा साथियों को लग रहा है कि सरकार ने हमसे ये कर दिया, जैसे वो लोग कुछ सोच के वोट किया है कि उसकी तरक्की होगा, उसका मेहनत होगा, मगर वो लोग अभी धीरे धीरे जान जा रहे कि ये लोग खाली सुडो नेशनलिज्म, जो भारतीयता या नेशनलिज्म जो अखंडता की बात कर रहे हैं लोग, वो पूरा जैसे सुडो है, वो सही जातीयता भाव, सही देशभक्ति का ये लोग नहीं फैला रहे हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, आक्रोश, क्या ये हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और महात्मा जो वो लोग स्वामी विवेकानंद जी का भी पोर्ट्रेट रखते हैं ABVP ये सब, मगर ये नफरत की भावना कहाँ से ये लोग फैला रहे हैं ये पता नहीं लग रहा है। थैंक यू सर, आप जो ये आपका जो अनोखा उपक्रम है उसके लिए स्टार एपिक्स और हमारी पूरी टीम आपको एक शुभेच्छा देती है, आपका ये प्रयास सफल हो ऐसी इच्छा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। संतोष कोलकुंदा, राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश के प्रभारी हूँ। मैं खासकर युवा साथियों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सभी सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, और आपका डेली सुबह थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि आप, और जैसा है ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड बोलते हैं, तो हेल्दी बॉडी जब हेल्दी माइंड हो तब आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।